रेलवे स्टेशन पर 7 महीने से बंद प्लेटफॉर्म 8 और 9 के साथ सभी प्लेटफॉर्म यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब सभी प्लेटफॉर्म से बुधवार को सभी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें पूजा स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। प्लेटफॉर्म 9 से गोरखधाम एक्सप्रेस, LTT सुपरफास्ट, कोचीन एक्सप्रेस सहित 11 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। रेल प्रशासन ने सभी प्लेटफॉर्म को नए सिरे से निर्धारण कर दिया है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर खान पान के स्टॉल भी खुल गए हैं, जिससे यात्रियों को खान पान की भी कोई दिक्कत नहीं होने पाए। इसके अलावा स्टेशन के मुख्य द्वार पे अभी भी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन अंदर के प्रवेश द्वार से बैरिकेडिंग हटाई गई है। इसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म खोल दिए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 से बरौनी एर्नाकुलम पूजा स्पेशल ट्रेन, कानपुर अनवरगंज चौरी चौरा स्पेशल, गोरखपुर बांद्रा टर्मिनल स्पेशल, मुजफ्फरपुर बांद्रा टर्मिनल अवध स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, रक्सौल दिल्ली स्पेशल, सहरसा नई दिल्ली स्पेशल, मुजफ्फरपुर दिल्ली स्पेशल, न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर क्लोन स्पेशल, वाराणसी सिटी लखनऊ कृषक स्पेशल ट्रेनों के अलावा सभी प्लेटफॉर्म से निर्धारित ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया। जी, जैसा कि आपको पता है कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें अनाउंस की हैं, जो कि आज से चलना शुरू हुई। इन जो नंबर ऑफ ट्रेन हैं जो गोरखपुर से गुजर रही हैं या गोरखपुर से स्टार्ट हो रही हैं, इन ट्रेनों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में जो यात्री आ रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से उनको सही टाइम पे ट्रेनों में बिठाया जा सके, इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं उनको सबको ओपन कर दिया गया है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर। और इस दौरान सभी यात्रियों से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं, पोस्टर बैनर के माध्यम से उनको बता रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगा हुआ है उसके माध्यम से, कि कोविड की सिचुएशन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, केसेस कम हुए हैं जो कि एक अच्छा संकेत है, लेकिन अभी भी हम लोग जो सावधानियां हैं उसका पालन करना आवश्यक है। जैसे कि मास्क प्रॉपरली लगाएं, मास्क लगाते समय ध्यान रखें, कई बार क्या होता है बोलते समय हम लोग मास्क उतार देते हैं या मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते हैं, नोज के नीचे आ जाता है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से पहने। जब फेस्टिव सीजन आ रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ऐसे में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जो शारीरिक दूरी है उसका ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का जो है विशेष ख्याल रखें। जब भी ढेर सारे डॉक्टर्स के वीडियोस इस बारे में हैं, जो कि इवन हम लोगों ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पे इसको शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से हाथ धोलें, कैसे हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, तो इन सभी सावधानियों के साथ सभी यात्रियों के बेहतर ये त्यौहार जो आ रहे हैं वो अच्छे से बीतें, इसकी शुभकामना देता हूँ मैं, और साथ ही साथ सभी की यात्रा मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूँ। सर, कुछ गेट भी अभी भी बंद रखे गए हैं रेलवे स्टेशन पर? सारे गेटों पे जो पहले की बात ही एंट्री अभी जो मेन गेट है उसको इसलिए नहीं खोला गया है, जिससे कि जो अननेसेसरी की भीड़ भाड़ है, जैसा कि मैंने बताया कि सभी ट्रेनें जो पूजा स्पेशल भी चलाई जा रही हैं वो भी सभी आरक्षित श्रेणी की ही ट्रेनें हैं, तो वही उन्हीं लोगों को प्लेटफॉर्म पे आना है जिनके पास कन्फर्म टिकट हो, विजिटर्स अलाउड नहीं हैं। तो ऐसे में
जो लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वो वही लोग आए जिनके पास कंफर्म टिकट है, इन चीज़ का प्रॉपर तरीके से इसकी निगरानी हो सके, इसलिए अभी सभी गेट को उस तरह की ओपन एंट्री नहीं दी गई है जैसा नॉर्मल डेज में रहता है। सर कितनी गाड़ियां होंगी जो गोरखपुर से गुजर रही हैं? देखिए जैसे अलग अलग टाइम पे गाड़ियां जो चली हैं गोरखपुर से, जैसे शुरुआत में पहले जो विशेष गाड़ियां चलाई गई थी, फिर उसके बाद क्लोन विशेष गाड़ियां हम लोगों ने चलाई, बीच में कई और विशेष गाड़ियां चल रही हैं, तो उन सभी और अभी जो पूजा स्पेशल चल रही है 11 जोड़ी जो गोरखपुर से होकर या यहाँ से आरम्भ हो रही, उन सभी ट्रेनों का प्लेटफॉर्म और डिटेल हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 से बरौनी अर्णाकुलम पूजा विशेष गाड़ी, कानपुर अनवरगंज गोरखपुर चौरी चौरा विशेष गाड़ी, गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस विशेष गाड़ी, मुजफ्फरपुर बांद्रा टर्मिनस विशेष गाड़ी, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन विशेष गाड़ी, 05273 रक्सौल दिल्ली विशेष गाड़ी, 02553 सहरसा नई दिल्ली विशेष गाड़ी, 02557 मुजफ्फरपुर दिल्ली विशेष गाड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर क्लोन विशेष गाड़ी 05007, इन ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलाया जाएगा। इसी प्रकार हर प्लेटफॉर्म वाइज की कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी इसको हम लोगों ने अपने जो हमारे सोशल मीडिया के पेजेज हैं, ट्विटर के वेरीफाइड पेज, फेसबुक का जो हमारा पेज है उन पर शेयर किया हुआ है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिया गया है, इसकी डिटेल मैं आपको भी दे देता हूँ, आप लोग भी इसको अपने माध्यम से आमजन को सूचित करने की व्यवस्था करें।